ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी 10 दिन पहले ही मुझे एक मंत्र मिला था, तो 10 दिनों से मैं उसी के परीक्षण में लगा था और उसमें मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जो कि अलौकिक हैं। एक ऐसा मंत्र है जो कि वाकई में इस कलयुग में काम करता है। वो आपकी सक्सेस, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और जो भी आपकी कामनाएं हैं सब को फलित कर देगा। एक बहुत पुराना ग्रंथ है, उसमें से मैंने इन पंक्तियों को लिया है। अगर इसे त्रिकाल संध्या पढ़ा जाए, जपा जाए, तो आपकी आर्थिक समस्याओं को ये कोसों दूर कर देगा। इसको बहुत से कार्यों में आप ला सकते हैं। जिस तरह की आपकी कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर व्यापार ना चल रहा हो तो इसको पढ़ सकते हैं, और कोई ऐसी मनोकामना हो जो आपके किसी कोने में पड़ी हो, आप उसे सोचते हो लेकिन वो पूरा ना हो रही हो, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। सबसे ज़्यादा जो है ये बना है दारिद्र को दूर करने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में दारिद्र आ गया है तो आपको दारिद्र दहन स्त्रोत्र का त्रिकाल संध्या पाठ करना होगा। इसका पाठ कीजिए और इसके बाद जो है भोले शंकर की कृपा से आपके जितने भी दुख हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पंडितों से, काफ़ी विद्वानों से इसके बारे में चर्चा की, तब जाकर इसके गूढ़ रहस्य पता लगे हैं। तो ये सिर्फ आपके दारिद्र को ही नहीं, आपके भीतर से बाहर तक जो कुछ भी है सबको परिवर्तित कर देगा। आपकी सोचने की शक्ति को भी ये परिवर्तित कर देगा। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो सारी लग्जरीज आएंगी जो आप सोचते हैं। अगर आप बिल्कुल ही तंग हाल अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक बार त्रिकाल संध्या 41 दिनों तक दारिद्र दहन स्त्रोत्र का जाप करना शुरू कर दें और हफ्ते भीतर आपको इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका जो पहला पड़ाव है वो है 41 दिनों का। 41 दिनों तक आपको दारिद्र दहन स्त्रोत्र का पाठ करना है। पाठ कुछ इस तरह से कीजिएगा कि जब आप पाठ करें तो आपका जो मुखमंडल है वो सूर्य की तरफ हो, उस दिशा में आपको बैठ जाना है और इसका जो है जाप शुरू कर देना है। सुबह प्रातःकाल आपको ये करना है, उसके बाद दोपहर में करना है, फिर शाम को जब दोनों पहर मिल रहे हों उस समय करना है। यदि आप 41 दिनों तक कर देते हैं ये सब, तो आपको इन 41 दिनों के भीतर भीतर ही कोई एक ऐसी धनराशि, मोटी धनराशि मिलेगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम से कहीं से भी कोई आ जाएगा और आपको दे के भाग जाएगा। यूँ समझिए कि आसमान से भी टपक सकती है। वो आनी ही आनी है। जब ये दारिद्र दहन स्त्रोत्र का आप पहली बार पाठ करेंगे तो आपके पास एक मोटी राशि आएगी, चाहे तो वो आपको पड़ी हुई मिल सकती है या फिर कोई देकर चला जाए या फिर कहीं से भी आप ठोकर मारे और आपको एक सोने की ईंट मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जब पहली बार साधक दारिद्र दहन स्त्रोत्र का पाठ करना शुरू करता है तो उसे आकस्मिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। एकदम से आप सोच भी नहीं सकते, उस जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, अगर आप इसको पढ़ने में कोई त्रुटि कर रहे हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। तो इसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा कैसे इसको पढ़ना है और क्या इसकी विधि है। धन्यवाद।